बच्चों इस वीडियो में आप पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ठीक है, यहाँ पर आपने एक सर्कुलर कॉइल आप ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से यदि सपोज आई करंट यदि आपका फ्लो हो रहा है, आई करंट यदि आप फ्लो हो कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसके पहले नोटेशंस फॉर्म लिख लें कि कंसिडर अ सर्क्यूलर कॉइल ऑफ रेडियस आर। मतलब आपने एक सर्क्यूलर कॉइल कंसिडर कर रहे हैं, रेडियस आपका आर है, ओ आपका क्या है, सेंटर है। ठीक है, विथ सेंटर ओ थ्रू विच द करेंट आई इज़ फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका करेंट क्या फ्लो हो रहा है, आई करेंट फ्लो हो रहा है। बायो सेवर्ट लॉ से आपको मालूम है कि आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी आप क्या देते हैं, डी वी इक्वल्स टू म्यू नोट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या किया, एक स्मॉल एरिया कंसिडर कर रहे हैं जिसको आपने किससे डिनोट किया है, ए वी, और जिसकी लेंथ को आपने किससे डिनोट किया है, डी एल। अब यदि आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर या टेंजेंट टाइप से आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो एंगल आपका क्या हो रहा है, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा या फिर साइन 90 इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, अब ये जो इंटेंसिटी है वो किसके लिए बेटा, स्मॉल एरिया के लिए। ठीक है, जो आपने स्मॉल एरिया कंसिडर किया है उसके लिए इंटेंसिटी है डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर। लेकिन यदि आप क्या कर रहे हैं, यदि स्मॉल 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 एरिया सब स्मॉल एरिया यदि आप कंसिडर कर रहे हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई आई आर स्क्वेयर आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और समेशन ऑफ डी एल। ठीक है, समेशन ऑफ डी एल से क्या मतलब है कि डी एल क्या है आपका स्मॉल एरिया, लेकिन समेशन ऑफ डी एल से क्या मीनिंग है कि आप सभी स्मॉल एरिया को आप क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉल डी एल। अब बी इक्वल्स टू आपका समेशन ऑफ डी वी इक्वल्स टू क्या होता है, बी। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वेयर समेशन ऑफ डी एल। समेशन ऑफ डी एल मतलब क्या है, सभी स्मॉल यदि आप एरिया को आप कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आप क्या लिख सकते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ कॉइल या फिर सर्कल, है ना। तो समेशन ऑफ डी एल को अपन क्या लिख रहे हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, या यहाँ पर मैंने कॉइल लिख दिया है। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। ठीक है, एक आर से क्या हो गया, एक आर कट गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 को कैंसिल किया तो 2 टाइम्स आएगा। तो वी इक्वल्स टू आप लिख पा रहे हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, इसका यूनिट आपका एमएल देंगे, टेस्ला। ठीक है, और यदि आप यहाँ पर क्या सपोज कर रहे हैं कि कॉइल में यदि एन टर्न्स लिए गए, है ना, फेरों की संख्या क्या है, एन है, लपेटों की संख्या क्या है, एन है, एन टर्न्स लिए गए हैं, तो यहाँ पर आप लिख रहे हैं वी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर टेस्ला। अब ये इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, म्यू नॉट के प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल है, फ्लोइंग करंट आई के प्रोपोर्शनल है, लेकिन रेडियस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आपका रेडियस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, और इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए किस पे डिपेंड करेगा, म्यू पर, एन पर और आई पर। ठीक है, तो इसके अफेक्टिंग फैक्टर्स आपको लिखना है। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा आपका कितने मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आता है। ठीक, करिएगा बेटा इसको।